पुदीने और धनिया की चटनी है। दोस्तों धूप लगी है बिल्कुल मस्त, और ये रख लिया हमने चटनी बीचों बीच, और ये हो गए हमारे माल्टे एक एक, तो अब टूट पड़ते हैं इन पे। तो दोस्तों ये हमारी वेस्टर्न कंपनी की मशीन, और इसका ड्रायर ख़राब हो रखा है जब से ला रखे हैं, और लगभग 4-5 महीने से लगातार सर्विस सेंटर में कॉल कर ली, सब कुछ कर लिया, और वैसे तो इस पर 5 साल की वारंटी लिखी हुई है, और कंपनी वालों ने कहा था ऑल ओवर इंडिया में जहाँ भी आप मशीन यानी जहाँ भी यूज़ करोगे तो वहाँ आपको कस्टमर सपोर्ट मिलेगा, हमारे टेक्नीशियन वहीं आके ठीक करके जाएंगे जब तक वारंटी में है। और अब जब से कॉल कर रहे हैं लेकिन नहीं आ रहे हैं, तो फिलहाल मैं इसको खोल के देखता हूँ कि इसके ड्रायर में क्या दिक्कत है। तो दोस्तों ड्रायर में वैसे एक पट्टा होता है, इसमें कुछ अलग है, तो पट्टा अगर निकला होता है तो वो लगा के ठीक हो जाता है ऐसा मैंने देखा है, लेकिन इसका सिस्टम ही कुछ अलग है जो कि समझ नहीं आया, तो इसको बंद कर देते हैं। तो कभी भी वॉशिंग मशीन लेना तो LG और सैमसंग की लेना, उनका जो कस्टमर सपोर्ट है वो बहुत अच्छा है। तो फिलहाल इसमें कपड़े तो धो लेते हैं, कपड़े तो धुल ही रहे हैं, बस सूख नहीं रहे हैं। तो ये देखो दोस्तों ऐसा जुगाड़ करके और यहाँ पे हमें वॉशिंग मशीन लगानी पड़ती है पानी के सामने, तो इसीलिए हमें ये बड़ा सा बाथरूम बनाना पड़ा ताकि यहाँ वॉशिंग मशीन फिट हो जाए। गुड, मेरे इतने कपड़े हो रखे हैं जो कि मुझे आज धोने हैं वॉशिंग मशीन में, और बच्चों की भी छुट्टी है, इनके ड्रेस वगैरह भी धोनी है। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो चलिए अपने इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत थोड़ा लेट हो रही है, 1:30 बज गए हैं, और जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था यहाँ धूप बहुत कम आती है, तो देखो 1:30 बजे भी कैसे अंधेरा अंधेरा सा होने लगा है, और इतने कपड़े जो है धुल चुके हैं वॉशिंग मशीन से। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। और ये जब बाथरूम हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर यहाँ रहेगी वॉशिंग मशीन, और यहाँ पे एक स्विच बोर्ड लगा के यहीं इसका काम तमाम होता रहेगा, मतलब कपड़े धुलते रहेंगे। तो अभी कुछ कपड़े रह गए हैं जो भाभी धो रही है, जो जानवर है वो चरने के लिए जा चुके हैं, और जब तक घर पे ये सब चलता रहेगा यार वहाँ को। और अब मैं और अमन लेके जा रहे हैं माल्टा नमक, वहाँ बैठ के खाएंगे, और आज कैप्टन को भी अपने साथ लेके जाएंगे, तो चलते हैं। हाँ, ये है हमारा माल्टे का पेड़, और यहाँ ऊपर लगे हैं बड़े बड़े माल्टे, ये देखो ऊपर कितने अच्छे माल्टे लगे हैं, नीचे हैं लेकिन ये थोड़े छोटे हैं। रीज़न ये है कि ऊपर धूप आती है तो ऊपर के माल्टे बड़े इसलिए होते हैं, नीचे धूप कम आती है तो इसलिए ठंड की वजह से थोड़ा सिकुड़ के रहते हैं। तो मैं जाता हूँ पेड़ में। तो ये देखो दोस्तों कितने बड़े माल्टे हैं, कम से कम आधा किलो का एक होगा, और ये देखो ये तो और भी बड़ा है। तो ये हम खाएंगे सीधे वहाँ धूप में जाके, नमक मिर्ची लेके चलते हैं। डिब्बी मिल गई, और आज सुबह हमने चटनी बनाई थी तो ये इस डिब्बी में रख के, और हम लेके जाने वाले हैं कुड़ख्यात। तो पहले इसको डाल लेते इसमें जल्दी से। तो ये हो गए हमारे माल्टे, ये हो गई हमारी चटनी, इसको रख लेते हैं यहाँ पे, और मैं लाता हूँ कैप्टन को खोल के। तो अभी हम पहुंचे हैं गौशाला में, और एक गाय अपने बच्चे के बिना चरती नहीं है, इसको बांध देते हैं यहाँ पे। यहाँ से हम लोग जाएंगे बिल्कुल वहाँ पे जो खेत दिख रहे हैं वहाँ पे, उस जगह को कुड़ख्यात बोलते हैं हम लोग, और वहाँ पे बैठ के माल्टा खाएंगे, चटनी खाएंगे, धूप सेकेंगे, क्योंकि जहाँ हमारा घर है वहाँ धूप की थोड़ी शॉर्टेज ज़्यादा रहती है ना केपी। और इसको मैं आगे जाके खोल दूंगा, अभी बांध के ले जा रहा हूँ। आ जाओ कान वाणी सही, आ हाँ,
तो ये आ गए हम बड़ी मस्त जगह पे, यहाँ हमारी भेड़ बकरियाँ भी चल रही है और ये है सामने कुड़ख्यात। तो जब हम इनके जैसे बच्चे थे तो यहाँ पे हम बैट बॉल बहुत खेलते थे और ये पत्थर भी जबी से रखे हुए हैं, और जब से मैं मेरे साथ वाले इधर उधर गए जॉब के लिए तब से यहाँ किसी ने कुछ भी नहीं खेला है। आज के पो आज तो दोस्तों, अगर पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो या पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और एक साधारण पहाड़ी जीवन से संबंधित ब्लॉग अगर आपको अच्छे लगते हो तो चैनल पे बने रहे और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दगड़ी यूँ हो बोले जान हमारे गढ़ में छिदगुंडा, इसके अंदर जब बीज होते हैं तो बहुत मतलब प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स होते हैं और बहुत महंगे बिकते हैं, लगभग 400-500 रुपये किलो बिकते हैं, लेकिन ये सूख गए हैं, इनसे झड़ चुके हैं, तो अब ये आग जलाने के काम आते हैं और इनको कभी भी रसोई घर में नहीं जलाना चाहिए, नहीं तो कॉकरोच बहुत ज़्यादा होते हैं इनको जलाने से। हाँ, जो हमें मैं चिलगढ़ बोलता हुआ, तो कुछ दिन में हम थैला लेके आएंगे और थैले में भर के लेके जाएंगे इनको गौशाला में जलाने के लिए। तो दोस्तों, ये दिख रहा होगा पीछे आपको बैकग्राउंड में हमारा गाँव कोलरी, कैसा दिख रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो यहाँ से देखिए ये हमारा गांव कोलरी, और यहाँ से इतनी ऊपर है हमारे घर, तो यहाँ से आप हमारे घर का और हमारे गांव का डिस्टेंस देख सकते हैं कितना ज़्यादा है। और एक चीज़ और देखो, गांव में कितनी अच्छी धूप आ रखी है और हमारे यहाँ देखो धूप लगभग चली गई है। तो गढ़वा धमजन बल्दी ने बिल्कुल कुमचर, तो हमारा दयाल जो बिल्कुल कुमचर मिस्सी जरा। तो चलो शुरू करते हैं हम अपनी पोटली को खोलना। इसमें लाए हैं हम हरी चटनी घर से, और ये है यो हनी सिंह का डिब्बा, मेरा मतलब पतंजलि शहद का, शहद की डिब्बी थी, इसमें हमने चाट मसाला रखा हुआ था। और इसमें देखिए ये है फ्रेश फ्रेश माल्टे अपने पेड़ के, और कितने बड़े हैं, आपको कितने बड़े दिख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना यार, क्योंकि हमें पता नहीं लगता वीडियो बनाते टाइम कि वीडियो में कैसे दिखेगा, वो तो बाद में पता चलता है जब हम एडिटिंग करते हैं टीवी में वीडियो को देखते हैं। कैप्टन को हमने थोड़ा सा ऊपर बांध दिया है, वहाँ पे उसके लिए बैठने के लिए अच्छी जगह थी, है ना। तो अब हम इनको छीलना शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया मेरे कैमरे में दिक्कत आ रही है, तो मैं मोबाइल फ़ोन से ही वीडियो बना रहा हूँ, और मोबाइल फ़ोन के लिए अभी मेरे पास ट्राईपॉड नहीं है, स्टैंड नहीं है, तो यहाँ पर मैंने एक जुगाड़ू तरीका ढूँढ लिया है, वो आपको बताता हूँ। तो ये एक मतलब झाड़ी है, इसमें एक टहनी यहाँ पर आ रखी है, दिख रही होगी कि नहीं, एक ये है और एक ये है, तो इनमें ऐसे अटका दूँगा। तो लीजिए, बन गया स्टैंड फ्री फंड में। जब हम स्कूल में माल्टे लेके जाते थे ना, तो जो हमारे क्लासमेट होते थे तो ऐसे हम उनकी आँख में डालते थे, तो इससे बड़ी मिर्ची लगती थी, थोड़ी देर के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन इससे मतलब हम लोग मस्ती करते थे एक दूसरे के साथ ये डाल के। और वैसे बोला जाता है इनको भी खाना चाहिए, ये फेंकने की चीज़ नहीं है। तो लाल बाल्टी है, इनको खिलाएंगे भोला को, अभी वो चल रहा है उधर, अगर उसकी नाक में खुशबू चली गई कि मैं यहाँ माल्टा छील रहा हूँ तो फटाक से आ जाएगा बिल्कुल मेरे पास। किस किस के मुंह में पानी आ रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ज़रूर मतलब ज़रूर बोलना मत, बोल बोलना मत। पकड़ी तेरे लिए, ये मार छा भाई, रुक ये अमन का है चटनी। तो ये आ गई हमारी चटनी, अब हम यहाँ कचबोली कैसे खाएंगे, हमारे पास बड़ा बर्तन तो है ही नहीं। तो अब हम एक काम करते हैं, जो चटनी है उसको थैली में रख के बीच में रख लेते हैं और उसमें डुबो डुबो के खाएंगे, क्योंकि जंगल में तो ऐसे ही खाया जाता है। देखो जैसे कि हमने पॉलीथीन की कटोरी बना ली और ये चटनी अब उसमें डाल देंगे, पुदीने और धनिया की चटनी है। दोस्तों, धूप लगी है बिल्कुल मस्त, और ये रख लिया हमने चटनी बीचों बीच, और ये हो गए हमारे माल्टे एक एक, तो अब टूट पड़ते हैं इन पे। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, क्या कहना।
पैसा वसूल। ये देखिए, ये देखिए। और अब इतना बड़ा एक साथ खाना है, कितना मजा आएगा। चैलेंज। मिर्ची लग गई। तो इस प्रकार हमारी माल्टा पार्टी खत्म हुई जंगल में। जंगल में तो कहाँ, खेतों में। अमन इसको जेब में रख, कल फिर लाएंगे। तो दोस्तों आज संडे है, बच्चों की भी छुट्टी है, और अब इनको रख लेते हैं भोला के लिए, क्योंकि वो उधर चल रहा है, तो उसको खिला देंगे। कैपो कैपो, अभी मम्मी आ रही है, तो इसके लिए बिस्किट वगैरह लेके आएंगी इसके हिस्से की। और दोस्तों ये देखो, अभी हम यहीं पे हैं, और जैसा कि मैंने कहा था, भोला को अगर माल्टा की खुशबू चलेगी पता, तो सीधे मेरे पास आएगा। और ये देखो सामने आ गए, जबकि काफ़ी पीछे हम लोग इनको छोड़ के आ गए थे। आ जा, अब मैं अपने कैप्टन को लेके जाता हूँ घर पे। भेड़ बकरिया इधर छोड़ देता हूँ, क्योंकि इसका खाना खाने का टाइम हो गया है। एक मैं इनको सुबह देता हूँ 8-9 बजे, एक मैं 2-2.5 बजे देता हूँ, तो लगभग 2.5 होने वाले हैं। हाय कर, हाय। तो इनको छोड़ दूँगा मैं यहीं पे, और थोड़ा घर पे होके आता हूँ, क्योंकि अभी कहीं नहीं जाएंगे, 1-2 खेतों में चरेंगे, और फिर मैं इनको लेने आ जाऊँगा, क्योंकि मुझे इसको खाना खिलाने लेके जाना है। चले, थोड़ा थोड़ा नाश्ता। रॉकी रॉकी, ये लो। तो ये अभी थोड़ा थोड़ा इनके लिए नाश्ता, क्योंकि आजकल दिन छोटे होते हैं, लेकिन फिर भी 3 टाइम इनको खाना दिया जाता है, और गर्मियों में 4 बार खाना देते हैं हम इनको, है ना कैपो। तो दोस्तों कैप्टन को घर बांध के मैं जैसे ही यहाँ आया, तो देखो जानवर भी इतने गुणवान होते हैं, इतने समझदार होते हैं। तो जहाँ से मैं और कैप्टन गए, बिल्कुल वहीं पर रास्ते पर आने वाले हैं। अब इनको लेके जाते हैं घर पर, और शाम को थोड़ा टाइम पास करना तो बनता है ना। गुड। आजा आजा आजा, इना चल 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 चल, इना पैन का चल। चलो भाई अपने अपने जगहों पे, चल बेटे चल 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 चल। चलो तो अब हम खाने वाले हैं भात, इधर उधर से आके थकान लग जाती है, क्योंकि हम लोग यहाँ सुबह ही खाना खा लेते हैं, दाल चावल खा लेते हैं। तो अब चावल गरम कर रखे हैं, दाल गरम कर रखी है, रोटी है, तो वो हम खाएंगे, और फिर उसके बाद जाने खेलने के लिए।
फोन देखना है आज डीस बेटा डीस बेटा डीसा डीसा डीसा। तो ये देखो दोस्तों सब्जी थोड़ी खम थी तो मैं रोटी के अंदर गुड़ डाल के खा रहा हूँ ऐसी बिल्ट बना के। अभी चाय बन रही है ऐसे खाता है कोई रोटी मैं ना खाता हूँ। तो दोस्तों ये आ गई अब चाय और चाय पी के हम लोग जाते हैं खेलने और आपसे मिलेंगे फिर किसी नए ब्लॉग में। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। पहली बार पहाड़ी जंक्शन चैनल पे आए थे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो जल्द मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग में।